दिवाली में 8 सप्ताह से भी कम समय रह गया है और व्यापार, उद्योग और प्रशंसक पहले से ही उत्साहित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मल्टी स्टारर एंटरटेनर सिंघम अगेन हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 3 से भिड़ेगी। दोनों बेहद लोकप्रिय फ्रेंचाइजी से संबंधित हैं। सिंघम अगेन में सिर्फ अजय देवगन ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान और टाइगर श्रॉफ भी है। इस बीच भूल भुलैया 3 का नेतृत्व कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन कर रहे हैं। जियो स्टूडियोज और मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित स्त्री 2 15 अगस्त को खेल खेल में और वेदा के साथ रिलीज हुई थी। इस संघर्ष में पूर्व ने हाथों हाथ जीत हासिल की। जियो सिंघम अगेन के साथ भी जुड़ा है और इसलिए बैनर अब साल के दूसरे बड़े क्लैश के लिए तैयार हो रहा है। व्यापार विश्लेषकों और सिंगल स्क्रीन प्रदर्शकों से अनुरोध किया गया है कि रोशनी के त्योहार पर टकराव को टाला जाना चाहिए। बॉलीवुड हंगामा ने ज्योति देशपांडे अध्यक्ष मीडिया व्यवसाय RIL के साथ विशेष रूप से बात की और हमने उनसे इस पहलू पर टिप्पणी करने के लिए कहा। ज्योति देशपांडे ने कहा, ये व्यावसायिक फैसले हैं। यह अहंकार या शक्ति के बारे में नहीं है। सिंघम अगेन दिवाली के लिए बनाई गई फिल्म है। फिल्म रिलीज होने के बाद आप समझ जाएंगे कि हम दिवाली पर क्यों आना चाहते थे। एक सामान्य नियम के रूप में यदि 2 फिल्में टकराती हैं, तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं। लेकिन बाजार मौजूद है 2 फिल्मों के सह अस्तित्व के लिए। गदर 2 को OMG 2 के साथ रिलीज किया गया था और दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे कहा, हाँ, इस टकराव से कुछ बिजनेस पर असर पड़ेगा, लेकिन हर किसी ने अपनी गणना कर ली है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि हमारी फिल्म रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की एवेंजर्स है, जहाँ सिंघम के साथ सिम्बा, सूर्यवंशी, लेडी सिंघम और भी बहुत कुछ शामिल होगा। ये दिवाली के लिए विषयगत रूप से तैयार किया गया है और बड़ा मनोरंजन करने का वादा करता है। हर कोई जीतने के लिए खेलता है और हम भी उसका अनुसरण करेंगे। दर्शक स्मार्ट है, उन्हें ट्रेलर या टीजर से पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है। वे दोनों फिल्में भी देख सकते हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। सबकी पिक्चर चले पर हमारी थोड़ी ज्यादा चले। ये पूछे जाने पर कि सिंघम अगेन का टीजर कब आएगा, ज्योति देशपांडे ने जवाब दिया, हम अक्टूबर में फिल्म की मार्केटिंग शुरू करेंगे। हमें एक उच्च शक्ति अभियान की आवश्यकता होगी जो फिल्म की रिलीज से पहले 4 से 5 सप्ताह तक चलेगा। सिंघम अगेन 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अधिक अपडेट के लिए हिंदी न्यूज से जुड़े रहें।